दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने दूसरा वैट संशोधन बिल पास कर लिया है। बीजेपी के विधायकों ने विरोध में बिल की कॉपियां सदन के अंदर वेल के सामने फाड़ दी और वॉकआउट कर दिया। अब सरकार कह रही है कि इससे केवल दाम बढ़ाने की ताकत ली गई है, दाम बढ़े नहीं हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि हर चीज के दाम वैट बढ़ने से बढ़ जाएंगे। विपक्ष बजट से अलग वैट बढ़ाने का बिल लाने पर भी सवाल उठा रही है। दिल्ली विधानसभा में दूसरा वैट संशोधन प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के पास हो जाने से सरकार को कभी भी वैट घटाने या बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम में केजरीवाल सरकार को वैट 12 फीसदी से लेकर 30 फीसदी तक करने का अधिकार मिल गया है। प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद राज्य सरकार को LPG, डीजल, पेट्रोल, सभी तरह के शीतल पेय पदार्थ, देसी और अंग्रेजी शराब, तंबाकू उत्पाद समेत 14 चीजों पर लगने वाले वैट को 30 फीसदी तक बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। अभी दिल्ली में डीजल पर 12.5 और पेट्रोल पर 20 फीसदी वैट लगता है, जिसे सरकार कभी भी 30 फीसदी तक बढ़ा सकेगी। पिछले साल दिल्ली सरकार को वैट से करीब 17,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, जिसे इस साल 24,000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वैट प्रस्ताव पर मत विभाजन के दौरान विधानसभा में विपक्षी बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव के विरोध में हंगामा किया। बीजेपी विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता ने प्रस्ताव की कॉपी को सरेआम सदन में फाड़ कर फेंक दिया और अपना विरोध दर्ज करवाया। जब हमने चर्चा की बात की तो वोटिंग शुरू करा दी, तो हमको विरोध स्वरूप वेल में आना पड़ा। अलोकतांत्रिक तरीके से बिल को पारित किया जा रहा था, एक और दूसरा बिल जन विरोधी था, जनता के विरुद्ध था, इसलिए हमको मजबूरन वॉकआउट भी करना पड़ा और ये कदम भी उठाना पड़ा। इससे पहले भी दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने माइक तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन विधायक नहीं माने। इसके बाद अध्यक्ष ने तीनों विधायकों के माइकों को बंद करने का आदेश दिया, जिससे बीजेपी विधायक भड़क गए। विधानसभा अध्यक्ष ने माइक तोड़ने की वारदात को अनुशासन समिति के पास भेज दिया। विधानसभा में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है, मगर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बजट से अलग वैट बढ़ाने का प्रस्ताव लाने पर सरकार की खिंचाई की। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि इस कदम से दिल्ली में महंगाई बढ़ेगी। इन्होंने तो वायदे किए थे कि दिल्ली को हम और सस्ता करेंगे और फ्री इतना ये देंगे, वैट को भी कम कर देंगे। वैट का इन्होंने कहा था ना, वैट को हम बहुत कम कर देंगे। हाँ, तो वैट को कम करने की जगह आप बता रहे जैसे ज्यादा कर दिया। आज दिल्ली में हर कोई टू व्हीलर के हर व्यक्ति के पास में है और ऐसे लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा। और हमारा ये मानना है कि इससे ना केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बट इससे संबंधित और दूसरी वस्तुओं के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे। सरकार कह रही है कि विपक्ष ने बिल को समझा ही नहीं और पहले ही उसे फाड़ दिया। बिल में वैट बढ़ाने का प्रावधान है, मगर महंगाई तो तभी बढ़ेगी जब सरकार वैट बढ़ाएगी। अब उनको समझ नहीं आ रहा वो बिल तो क्या करें, उसमें चर्चा ही कराने के लिए तो आए थे, लेकिन उनकी बात सुनना नहीं कर रहा। वो विधेयक को विधेयक पे चर्चा के प्रस्ताव से पहले ही वो लोग बिल फाड़ के भाग गए। अभी मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, सबने कहा था रेट को लगभग धीरे धीरे करके एक साथ नहीं किया जाएगा कि उनको कोशिश की जाएगी रेट बराबर किया जा सके, तो उसके लिए पावर ली जा रही है। कोई रेट आज से नहीं बढ़ने वाले, एक साल में भी नहीं बढ़ने वाले, जब इसको एक पावर है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज किया जाए। जहां विधानसभा में हंगामे के बीच वैट संशोधन बिल पास हो गया, बाहर दिल्ली सरकार ने विजय कुमार को दिल्ली वैट विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है। समय के लिए दिल्ली से पूनम मेहता की रिपोर्ट।